बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ड्रग्स मामले में आर्यन खान बीते दो हफ्तों से मुंबई की ऑर्थरूट जेल में बंद है। 2 अक्टूबर शनिवार की देर रात एनसीबी की टीम ने आर्यन को अपनी हिरासत में लिया था। 8 अक्टूबर की दिन मुंबई किला कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने आर्यन की जमानत याचिका को खारिज कर उन्हें 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। वहीं 20 अक्टूबर के दिन एक बार फिर से आर्यन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। अब आर्यन के वकीलों ने आर्यन की जमानत अर्जी दाखिल की है मुंबई हाई कोर्ट में। 26 अक्टूबर के दिन आर्यन की जमानत अर्जी पर सुनवाई की जाएगी। इसी बीच NDPS अदालत ने आर्यन की जुडिशियल कस्टडी को बढ़ा दिया है। 30 अक्टूबर तक आर्यन को जेल में ही रहना पड़ेगा। इसी दौरान अब मुसीबतों में फंसती हुई देखी जा रही हैं एक्ट्रेस अनन्या पांडे। जी हां, बॉलीवुड एक्टर अनन्या पांडे से एनसीबी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। बता दें आपको, अनन्या पांडे को बीते 21 अक्टूबर के दिन एनसीबी की टीम ने समन भेजा। उन्हें एनसीबी ऑफिस बुलाया ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए। वहीं एक बार फिर से अनन्या को बीते कल ही एनसीबी की टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान अनन्या के साथ मौजूद रहे उनके पिता चंकी पांडे। पूछताछ के दौरान अनन्या पांडे काफी ज्यादा इमोशनल हुई हैं। दरअसल मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में सामने आया है कि आर्यन और अनन्या पांडे के चैट में एक जगह आर्यन और अनन्या से गांजे को लेकर बात कर रहे थे। आर्यन पूछ रहे थे कि कुछ हो सकता है। अनन्या जवाब देते हुए कहती हैं, मैं अरेंज कर दूंगी। और उस चैट को लेकर अनन्या पांडे अब ड्रग्स मामले में फंसती हुई नजर आ रही हैं। एनसीबी ने अनन्या को ये चैट दिखाया और सवाल पूछा, जिस पर अनन्या ने कहा कि वो बस मजाक कर रही थी। अनन्या पांडे ने एनसीबी अधिकारियों को बताया कि आर्यन के साथ उनकी जो चैट सामने आई है वो ड्रग्स के बारे में नहीं बल्कि स्मोकिंग के बारे में है। दोनों के बीच स्मोकिंग को लेकर बातचीत हो रही थी। अनन्या ने बताया कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। वहीं एनसीबी के मुताबिक ऐसा कोई भी सबूत अब तक उनके हाथ नहीं लगा है जिससे कि पता चल सके कि अनन्या ने आर्यन को कभी ड्रग्स अरेंज करवाया हो। ऐसे में एनसीबी की टीम लगातार अनन्या से पूछताछ कर रही है। तो वहीं पूछताछ के दौरान अनन्या पांडे काफी ज्यादा नर्वस हुई। इंटेरोगेशन रूम में एंट्री करने से पहले अनन्या काफी नर्वस हो गई और अपने पिता चंकी पांडे से लिपट कर खूब रोई। बाद में इंटेरोगेशन रूम में अनन्या अकेली पहुंची। एनसीबी के अधिकारियों ने उनसे सवाल पूछे और उन सवालों के जवाब दिए अनन्या ने। फिलहाल अनन्या पांडे इस वक्त काफी बड़ी मुसीबत का सामना कर रही हैं। बता दें आपको, अनन्या और आर्यन बचपन से एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। इतना ही नहीं, शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अनन्या की बहुत ही अच्छी दोस्त हैं और अक्सर दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करती हुई नजर आती हैं, पार्टी करती हुई देखी जाती हैं। लेकिन आज अनन्या और आर्यन ड्रग्स मामले में फंसे हुए हैं। अनन्या महज 22 साल की हैं और आर्यन महज 23 साल की, और काफ़ी बड़ी मुसीबत का वह सामना कर रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। नेक्स्ट